प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाकाल हादसे में घायल मरीजों का हाल जानने उज्जैन के जिला चिकित्सालय पहुंचे। यहां घायलों का हाल जानने के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा की। सबसे पहले प्रदेशवासी और देशवासियों को होली उत्सव की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उज्जैन में हुए हादसे पर गहरा दुख जताया। घटना की मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश दिए हैं। दोबारा इस प्रकार की घटना न हो, इस बात के प्रबंध किए जाएंगे। घायलों को उचित उपचार मिले, इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है। घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा भी देंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को मामले से अवगत कराया है। उन्होंने घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरे मामले की जांच करवाई जाए और दोबारा घटना घटित ना हो, इस बात का प्रबंध हो। उज्जैन में भर्ती चारों मरीज को भी इंदौर भेजा जा रहा है। सबसे पहले प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की बधाई भी देता हूँ। होली का ये पर्व जीवन में सबके सुख समृद्धि वैभव लाए, सबके अपने मन की मुराद पूरी हो। आज ये भी मुझे दुखद घटना से रूबरू होना पड़ा। सवेरे जानकारी आई कि वैसे तो महाकाल में रंग का त्यौहार मनाने की परंपरा पुरानी है और हमेशा बहुत अच्छे से मनाते हैं, लेकिन आज जो घटना घटी वो बहुत दुखद है। महाकाल की कृपा से कोई बड़ी घटना नहीं हुई, किसी कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन जो भी हुआ है सरकार ने अपने स्तर पर प्रशासन के माध्यम से चर्चा करके निर्णय लिया कि मजिस्ट्रियल जांच होना चाहिए और जल्द से जल्द इस जांच के आधार पर निष्कर्ष जो निकले, दोबारा ऐसी घटना न घटे। जो घायल हुए उनका पूरा इलाज कराएंगे और सभी घायलों को 1-1 लाख रुपये देने के लिए कहा। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृहमंत्री, माननीय राष्ट्रपति जी, सभी से मेरी फ़ोन पे चर्चा हुई। सब ने पूरी घटना की जानकारी भी ली है और इस घटना पे घायलों के साथ संवेदना व्यक्त की है। और कुल मिलाकर के जैसे सरकार की जो मंशा है उसके साथ माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आप पूरी जांच भी कराइए और भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके संबंध में प्रबंध भी करिए। देखिए, बिल्कुल जो जो जांच समिति निष्कर्ष निकालेगी वो सब लागू करेंगे और कभी ऐसी घटना ना हो इसके प्रबंधन। अभी आपने हाल जाना, क्या हाल है? मैंने जाना तो है, हाल तो ये वैसे ही है, सब कंट्रोल में है यहाँ के मरीज तो, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आवश्यक इनकी भी कोई घटना में आगे जा कर के कोई स्थिति नहीं बिगड़े तो ये चारों मरीज भी इंदौर भिजवा दें ताकि बर्न वार्ड में प्रॉपर ज़्यादा अच्छे से अच्छा इलाज हो जाए। कोई भी लापरवाही नहीं होना चाहिए, ये मैंने प्रबंधन करने के लिए। अब जो जो भी है वो जांच के बाद मालूम पड़ेगा।